हेलो दोस्तों, क्या आपके वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका है? उस कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटाना वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया तो आपको जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होगा मोनेटाइज के लिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उस पर अगर कॉपीराइट क्लेम आया है ना, तो उसकी जो भी अर्निंग होगी ना वो उस ऑनर को चली जाएगी जिसने कॉपीराइट आपको दिया है। तो इस कॉपीराइट को कैसे हटाना है फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उसमें जो जो फीचर होते हैं हटाने के लिए, उन सबों का यूज करने आपको बताने वाला हूँ, तो अपने वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले यहाँ पर आपको गूगल क्रोम को कर लेना ओपन। अब गूगल क्रोम को ओपन करने वाले यहाँ पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। इसे सर्च करने वाले यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक। थ्री डॉट पे क्लिक करने बाद ये आपको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप साइड पे करके रखा है। अब इसको आपको यहाँ पे अपने लोगो पे करना है क्लिक। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू योर चैनल पे करने के लिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको व्यू योर चैनल पे करना है क्लिक। यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल पे करना है क्लिक। यहाँ पर मैं कस्टमाइज चैनल पे कर लेता हूँ क्लिक। जैसे मैं कस्टमाइज चैनल पे करूँ क्लिक, यहाँ पर मैं वाइट स्टूडियो में ओपन हुआ हूँ क्रोम साइड पर। तो यहाँ पे मैं क्रोम साइड में वाइट स्टूडियो पे ओपन हो चुका हूँ, है ना। तो ऐसा आपको ये ओपन कर लेना। अगर आपको ओपन करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्या बोला तूने? इस पे क्लिक करने में यहाँ पे आपको फिल्टर पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे फिल्टर है ना, फिल्टर पे क्लिक करते हैं। अब फिल्टर पे क्लिक करने में यहाँ पे हम कॉपीराइट पे कर लेंगे क्लिक। जैसे यहाँ पे कॉपीराइट लिख रहा है ना, इस पे कॉपीराइट पे हम कर लेंगे क्लिक। हमारे जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो वो वीडियो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे मैं छोटा कर दिखाता हूँ, जैसे इन दोनों वीडियो पे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है ना। तो यहाँ मैं पहले वाली वीडियो को कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ मैंने पहले वाली वीडियो को ओपन यहाँ पे कर लिया। अब इसको ओपन करने वाले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ मैं कॉपीराइट पे करता हूँ क्लिक। यहाँ मैं सी डिटेल पे करता हूँ क्लिक। थोड़ा आपको जूम कर दिखाता हूँ। सी डिटेल पे मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कॉपीराइट देखने के लिए मिला है। 52 सेकंड से लेकर 3 मिनट 24 सेकंड तक मुझे कॉपीराइट क्लेम देखने के लिए मिला है ना। लैंड ऑफ फायर की कंपनी है, इसने मुझे कॉपीराइट क्लेम दिया है ना। जीबीडी मेरी मोनेटाइज नहीं हो पाएगी, है ना। इसका जो वॉच टाइम वो भी नहीं जुड़ेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इसका जो वॉच टाइम है वो भी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट सेक्शन पे करता हूँ क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन है हमारा इरेज सॉन्ग का। इसमें जो होता है, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ है ना, बैकग्राउंड में कोई गाना वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट क्लेम आया है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी आवाज रह जाएगी। तो कॉपीराइट क्लेम आया ना जिस म्यूजिक से बैकग्राउंड में, वो जो साउंड है ना वो हट जाएगा, खाली मेरी आवाज रह जाएगी जी। काफी अच्छा फीचर दिया जो अभी भी आया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यू है ना, तो ये न्यू फीचर भी आया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है। पूरे वीडियो में आपको कॉपीराइट के लिए हटा देगी, जो साउंड हुआ बैकग्राउंड में जो भी गाना वगैरह हुआ वो हटा दे, जो आप ओरिजिनल ऑडियो है ना वो रह जाएगी खाली। और यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन है ये रिप्लेस सॉन्ग, मतलब जैसे जिस गाने से आपको कॉपीराइट के लिए आया है ना उस गाने को हटा दे, उसकी जगह आप दूसरा सॉन्ग लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रिम आउट सेगमेंट, यहाँ पर आप उस वीडियो को पार्ट को कट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी वीडियो में 3 मिनट से लेकर 4 मिनट तक कॉपीराइट के लिए आया है ना, तो उस पार्ट को अगर जो वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है तो उसको मैं यहाँ से काट भी सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ इरेज सॉन्ग पे क्लिक कर लेते हैं। इरेज सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेज सॉन्ग, ये पूरी वीडियो में इरेज सॉन्ग हो जाएगा। म्यूट ऑल साउंड इन द क्लेम सेगमेंट, अगर आपको पूरे में म्यूट करना तो आप इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इरेज सॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेव पे कर देता हूँ क्लिक। ना इरेज सॉन्ग पे मैं दोबारा क्लिक कर दें, यहाँ पे जो भी लिखा रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो हो चुका है इजीली कंप्लीट। अब ये हमारा चेक हो रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है चेकिंग वन फाउंड है ना। तो ये हमारा 24 घंटे के अंदर कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। मैंने और भी वीडियो पे हटा कर ट्राई करा है, काफी इजी तरीके से हट चुका है, उससे मेरी अर्निंग काफी अच्छी खासी हो रही है इस समय। नीचे दो ऑप्शन है उनके बारे में और बताता हूँ मैं। इसको हटाने के बाद जो हमारी दूसरी वाली वीडियो थी है ना, ये हमारे नीचे दूसरी वाली वीडियो, इस पर हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपीराइट भी दोबारा कर लेते हैं क्लिक। यहाँ सी डिटेल पे कर लेते हैं क्लिक। सी डिटेल पे क्लिक करने के बाद इस वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कॉपीराइट आया है और इस वाली कंपनी ने मुझे कॉपीराइट दिया, देख सकते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट सेक्शन पे कर लेता हूँ क्लिक। अगर आप ट्रिम आउट सेगमेंट पे क्लिक करें तो उस पर आप क्लिक करके उस पार्ट को हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं रिप्लेस सॉन्ग का आपको ऑप्शन बताता हूँ। रिप्लेस सॉन्ग पे मैं करता हूँ क्लिक। इस पे क्लिक करने का कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पूरी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। यहाँ पर आप म्यूजिक चालू करके चेक कर सकते हैं आपको कौन सा म्यूजिक अच्छा लग रहा है ना, उसको आपको ऐड पे कर देना क्लिक। ऐड पे क्लिक करके
फिर आपको यहाँ पे ऊपर से कर देना सेव पे क्लिक। जैसे मैं इस वाली इमेज को ऐड कर लेता हूँ, इस वाली इमेज को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया तो मेरी वीडियो में लग चुका है ना। अब यहाँ पर मैं सेव पे कर लेता हूँ क्लिक, जो मेरा इस वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो ऐसे आपको इस वाले ऑप्शन का यूज करना है। अगर आप उस पार्ट को काटना चाहते तो आपको ट्रिम एंड सेगमेंट पे करना है क्लिक, उस पर क्लिक करके आप उस पार्ट को काट सकते हैं। तो ऐसे आप अपने वीडियो में जो कॉपीराइट क्लेम को इजीली हटा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है कॉपीराइट से रिलेटिव है ना, कोई भी अगर आपकी चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आई है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं या आप मेरे को इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट भेजकर और मैसेज में अपनी प्रॉब्लम वगैरह बताकर आप बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लेस। यूट्यूब से रिलेटिव और भी काफी वीडियो बनाई है, उनको आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।